बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों से माजरत ख्वाह हूँ कि आपको पता है कि ट्रैफिक का इतना बड़ा गंभीर मसला है कि तीन जगह पे जो है ना इतना रश है। डेढ़ घंटा तो मुझे यूनिवर्सिटी मुनीर अहमद रोड और ये इमदाद चौक और ये अफगान कौंसलेट के सामने जो रश है ना, बस अल्लाह माफ़ करे। मैं आप दोस्तों से माजरत ख्वाह हूँ। मैं अपने तरफ से पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, हमारे प्रेसिडेंट पार्लियामेंटेरियन जनाब आसिफ अली जरदारी की तरफ से, मैं वडेरा साहब को और चीफ़ वडेरा जो कि नवाब अकबर खान बुगटी के नज़दीक साथियों में से ये वडेरा साहब थे, आज उसने अपने कबाइल, अपने हिमायती और खुसूसन हमारे डिवीज़न के प्रेसिडेंट मौसम खान बुगटी और वडेरा सूरत खान जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, इनकी मेहनत से आज वडेरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मैं उसको पार्टी के तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह हमारे दोस्त डेरा बुगटी में जो पार्टी को फाल करने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वडेरा साहब इन लोगों के सर पे दस्त शफकत रख करके जो है ना आगे निकलेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डेरा बुगटी सुई और खुसूसन ये बहुत बड़ा कौम है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद है, तमाम बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को फाल करने के लिए अपना किरदार अदा करेगा। मेरे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि इससे पहले भी वडेरा सूरत खान और बहुत दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, आप ख़ुद मीडिया के दोस्त गवाह होंगे कि वाहिद पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कि इख्तदार में नहीं है, मगर तारीख गवाह है जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क, इस कौम और खुसूसन इस सूबे के लिए किया है वो तारीख का हिस्सा है। इस वजह से ये जो हमारे कबायली और सियासी लोग हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी की क्यादत में, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो आज पाकिस्तान के जो 24 करोड़ आवाम का बोझ अपने कंधों पे उठाया है, उसको आज ये दोस्त बिलावल भुट्टो जरदारी का हाथ मजबूत करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ये वाज़े सबूत है कि अगर ये दोस्त उन सियासी भटेरों की तरह, मौसमी परिंदों की तरह होते तो आज बाप और फिलाम फिलाम पार्टी होते, मगर इस लोगों ने आज एक ऐसा बेहतरीन, वडेरा साहब ने फैसला किया कि वो एक मुल्कगीर, इस मुल्क का सबसे बड़ा पार्टी, इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाला पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसमें वडेरा साहब ने शामिल हो गया। मेरे दोस्तों साथियों, मैं एक चीज़ आप दोस्तों को बताऊँ कि मुल्क की हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप दोस्त प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे सिविल सोसाइटी के दोस्त, आप लोग हमारे साथ दो, हम आपकी आवाज़ बनके आज जो पीडीएम बना है, हम आपकी आवाज़ बनके आज हम इन सिलेक्ट हुक्मरानों के खिलाफ जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं आप दोस्तों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द आपका, हमारा, इस 24 करोड़ आवाम का, इस पाकिस्तान का, इस सिलेक्ट हुक्मरानों से जान छूटने वाले हैं। मैं इंशाल्लाह ताला, मेरे दोस्तों ये तारीख रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को मैशियत, इस मुल्क के मैशियत को मजबूत किया है, इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा किया है, इस मुल्क के आवाम के लिए जो खिदमत, जो कुर्बानी, जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, मैं समझता हूं कि तारीख में किसी ने नहीं किया है। आज आप देखें कि हमारे नौजवान, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले कलमकार, जितने भी सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों ने, ये जो झूठे तब्दीली के नारे लगाने वालों ने कहा कि हम आएंगे तो तब्दीली लाएंगे, तो आप लोग ख़ुद अंदाज़ा लगाओ कि जिन हुक्मरानों ने, मौजूदा सिलेक्ट हुकूमत ने जो तब्दीली लाया है, आप उससे अंदाज़ा लगाओ। हमारे दौर में तो 65 रुपए चीनी का किलो था, आज इनके दौर में 115 पता नहीं 120 रुपए जो है ना आज चीनी का किलो है। आज वो टमाटर
जो कि पहले 25 से 30 रुपए का किलो मिलता था, आज आप देखिए 200 से भी ऊपर जो है टमाटर, दाल वगैरह वगैरह सारे इतना महंगा है, जो कि ये तब्दीली की बात करते हैं। ये वो तब्दीली है जो कि मुल्क का मैशियत का बेड़ा इन लोगों ने गर्क किया। ये वो तब्दीली है जो आवाम को, जो कहता था कि मैं आवाम के लिए सब कुछ करूंगा और लोगों को मुलाजिमत दूंगा, मुलाजिमत से तो बेजार है। उसने स्टील मिल के पता नहीं हज़ारों की तादाद में जो मुलाजिम हैं उनको फारिग किया, बहुत से महकमों में उसने मुलाजिमों को फारिग कर दिया, उसने आपके तनख्वाहों में कटौती किया। मैं समझता हूं कि अभी बहुत जल्द ये हुक्मरानों को अपने घर जाने का, इन लोगों का वक्त हो गया है। मेरे दोस्तों, मैं आखिर में फिर आप लोगों से माजरत करता हूं कि हमने लेट किया। मैं वडेरा साहब को पार्टी की तरफ से, पार्टी के चेयरमैन की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, आप तमाम दोस्तों का मिन्नतवार। पीपल्स पार्टी ने, अगर आपको तारीख का, आपको उस दिन का निस्बत अगर तारीख पता है, तो ये पीडीएम बनाने में सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। इन तमाम पार्टियों के एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे करना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला इस्तीफों के मामले में भी इंशाल्लाह देर नहीं करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो तारीख रखा है, मुस्लिम लीग नून वालों ने 13 तारीख को अपना ये लाहौर में, तो इंशाल्लाह ताला कल 8 तारीख के मीटिंग में होने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की मुफाद में, इस आवाम की मुफाद में, हालात के को मद्देनज़र देखते हुए इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पीडीएम का फैसला होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। देखिए, वो तो जमहूरी हुकूमतों के लिए ये फैसला किया गया था, ये तो लाए गए मुसलत शुदा हुकूमत थे, ये तो सिलेक्ट हुकूमत थे। अगर ये जमहूरियत थे जिसने आपके मीडिया, आपके जो सहाफ़ी, आपके जितने भी ये जो चैनल है, इसने सबसे पहले तो आप पे वार किया, इसने सबसे पहले इस आवाम के हकूक़ पे वार किया, इसने सबसे ज़्यादा इस मुल्क, इस कौम के साथ जितना झूठ, मौजूदा हुकूमत जो कि यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बात करते, फिर दूसरा दिन और बात करते, जो कि आपके चैनलों में, आपके टीवी, आपके कैमरों में जो है ना, वो आज तक महफूज है।